जिंदगी में पहली बार रामा भाई ने 1300 का बर्गर खाया। पूरे 700 की नाद लगी है पीछे। ये फ्लैश भी 1000 रुपए का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज अभी मैं काम कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो मेरे रूममेट भाई की कॉल आई है, कह रहे हैं कि भाई साहब आज आपको मेरी तरफ से इफ्तारी है। तो जब आपको आपका रूममेट इफ्तारी दे रहा हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भाई? बॉय तालियां होनी चाहिए। तो अभी मैंने उसे बोला है कि वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हुए हैं, मैं यहाँ पे पिंडी आया हूँ अपने कज़न के घर, तो मैं भी अपने कज़न के घर से जाऊँगा 6th रोड दोस्तों के साथ, और वहाँ पर जाके उनसे जो है ना आज इफ्तारी लेंगे। और मज़े की बात है कि रूममेट इफ्तारी दे रहे हैं। अभी यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं 6th रोड, दो सारे मिल चुके हैं, बड़े मुश्किल से मिले हैं भाई। कौशल करके लोकेशन वगैरह मांगे, ये मौलाना साहब और मेहरबानी है, मेरा बैग पकड़ लिया है। ये एक अच्छी बात है, बिलाल साहब हमारे साथ है, सुमरान भाई आगे की आगे, और रूफ टॉप लॉन्च में हम दाखिल हो रहे हैं अभी। आओ सर, आ रहे हैं आप, अभी ऊपर जाके फिर मुझे क्या हुआ जगह अच्छी है, एकदम बना के आ जाए, लेकिन वेट कर सकते हो जो अफ्तारी करनी है, वेट कितना? ऐसा होता है जब आपने पहले ऑर्डर ना दिया हो, क्योंकि हमने पहले ऑर्डर नहीं दिया था, इसलिए हमें वो तमाम चीज़ें भी नहीं मिली जो कि एक नॉर्मल खाने में होती हैं, क्योंकि ये जो है ऑर्डर पे काम करते हैं। दूसरा ये है कि हमें अपनी सिटिंग वगैरह भी ख़ुद बनानी पड़ी, और क्योंकि हम ज़्यादा दोस्त थे तो हमें जो है ना वो कुछ बड़ा टेबल चाहिए था, इसलिए हमने सिटिंग भी ख़ुद बनाई बड़े टेबल पे, ताकि हम अच्छे से बैठ सकें। क्योंकि जब दोस्त इकट्ठे होते हैं तो उनका यही होता है कि वो एक जगह सारे इकट्ठे बैठे हैं। अभी यहाँ पे सीन ये हुआ कि उन्होंने कहा अफ्तारी का हमारे पास सामान है, वापस जा रहे थे, लेकिन दोबारा उन्होंने बोला है कि वो अफ्तारी वगैरह करवा देंगे, कुछ चूल्हे वगैरह दे देंगे, तो वो जुगाड़ तो लग जाएगा। आपको बहुत जल्दी अभी हम जो है ना वो डिसाइड कर ले, तो उसके बाद बताते हैं। अभी यहाँ पे शुगर लग गया है, अनुमान भाई बोल रहे हैं कि अगर इसने मेरा कोई सफेद बाल निकाल दिया तो बिलाल भाई चाय पिलाएंगे सभी को, वरना अनुमान भाई ध्यान लगा हमारा बाल बाल मेरे में तो आए नहीं, जिगर मेरे से कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी, मेरे और काले नहीं हुए, अपनी चाय तैयार कर दूं, काले नहीं हुए बाल, अपनी चाय तैयार कर दूं साहब। ओए यूं एक चीज आ, मेरा एक भी नहीं पा, जूं और जूं निकल आई, ओहो चेक कर ठीक है यार, मैं चेक चेक कर चला चला ये देखें गैरत। चिट्टा ही है, चिट्टा ही है, कैमरा में आएगा, मसला नहीं है, बोली बोली जूम कर दे, हाथ पीछे कर, वो आ गया, ओ बिलाल भाई ने चिट्टा वाल निकाल लिया, और नुमान भाई को चाय पड़ते हुए, नुमान भाई कैसा फील हो रहा है? वीडियो दिखा दिया,
और फिर इसके बाद नुमान भाई काफ़ी देर तक जो है ज़िद करते रहे कि सफ़ेद बाल नहीं है, सफ़ेद बाल नहीं है, सफ़ेद बाल नहीं है, लेकिन भाई अब तो निकल चुका था। तो इस तरह से नुमान भाई को चाय पड़ चुकी थी, लेकिन उसने कुछ टाइम ज़िद की, लेकिन उसके बाद फिर क्या था भाई, जब 10-15 लोग एक साइड पे हों तो फिर मानना पड़ता है। तो एंड पे जो है वो मान गए, लेकिन हमने उसके बाल को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम उसे तोड़ नहीं सके क्योंकि वो बहुत छोटा था, तो साइड पे था तो इसलिए हम तोड़ नहीं सके। लेकिन एंड पे नुमान भाई को पिक्चर दिखा के हमने मना लिया। और उसके बाद यहाँ पर जो है सूरज के ग़ुरूब होने का जो मज़ा था ना, वो अलग था कि सूरज के ग़ुरूब होने का जो सीन था उसको हमने इंजॉय किया यहाँ पे बैठ के। और ये आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे कितने मज़े का सीन था ये। तो ये जो सीन है हमने इस जगह पे जाके इंजॉय किया। और फिर यहाँ पे हमारा स्टार्टर आ गया जो कि दही था, और दही के अंदर पकौड़ियाँ डाली हुई थी, और ये कुछ जो है ना वो मीठा टेस्ट करता, तो हम सब ने इस पर टूट पड़े क्योंकि भूख सभी को बहुत लगी हुई थी। पेड़ों में खाली खाली एक एक चीज होती जैसी खत्म कर ले जाओ, वो भी आके केड़े जानवर आए। तू सम्राट की क्यों कर रहे हैं, सम्राट क्यों मेंशन कर रहे हैं, सम्राट खा रहा है, तू पहले खा चुके हैं। सरंज तेरा शुरू होना है खाने के बाद, ये ले तेरे 7000 रुपया देना पड़ना है। अफजाल दा फिर 1000 महीने का खर्चा है, 7000 रुपया करे दे, 7 महीने का खर्चा दे। ये जी हमारे पास आया कुछ सामान, और मलिक साहब जो है ना, मलिक साहब छिटे हुए ये जी टेक्निकी बन गए मेरे में। ये मैं पीस गिन रहा, नुमान भाई ये जो अपना यार शुक्र करो जब आप सारे टूट पड़े। एक साल के बाद अभी यहाँ पे जी हमारे साथ स्कैम हो गया। स्कैम ये हुआ है कि 1700 का ये वाला जो एक है जो स्टैंड आया हमारे पास, इसमें दो थोड़े बहुत समोसे पकोड़े थे और एक दो बर्गर थे, और ये हमने चार मंगवाए थे कि हम जो है ना हमारा पेट वगैरह भर जाएगा, लेकिन सीन्स कुछ और ही हुए हैं। अमार भाई लोग वीडियो दोबारा देख के आए थे इंस्टाग्राम पे, वो कह रहे थे काफ़ी ज़्यादा इजहार भाई, ऐसी बात है ना, कह दो बड़ी चीज़ें भरनी है, बड़ी सब बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे ये सामा भाई एक तो खा रहे हैं और दूसरा स्कैम इंजॉय कर रहे हैं। सब कैसा लगा स्कैम, कैसा लगा मेरा मजाक? और अभी आज स्कैम बन गया यार, ठीक है, जिंदगी में पहली बार सामा भाई ने 1300 का बर्गर खाया है। कैसा होता है आखिर? हाँ दो बंद होते हैं बीच में कैचअप होता है। पूरे 700 दिनात लगी है पीछे, ये लाइटिंग जड़ी आएगी पूरे 500 रुपए की आएगी। हाँ ये फ्लैश भी 1000 रुपए का, ब्यूटी व्यू 1500 रुपए का पड़ा है। इस ब्यूटी असल पैसे इस व्यू के हैं, किसके असल पैसे इस व्यू के हैं, जो व्यू आ रहा है ये बाहर खड़े होकर देख सकते थे, बाहर क्या खड़े हो, अंदर खड़े होना था तुम्हें, उसका मुंह में भर गया। गलती से वॉशरूम भी नहीं जाना, वॉशरूम में करो तो वो भी 5000 का पड़ता है। और ऊपर से सामान कमरान को भेज दिया 4 दिन का निकल, उसने पूरे हफ्ते का ना 10000 पर अड़ पड़ेगा। पैसे मेरे पास बहुत है, नुमान भाई के पास चाय के पैसे भी और पाते जमा दिया, 4 प्लेटर ज्यादा इसे के लिए। चावलों वाला जो कोला है भी यहाँ पे जो है इनकी लड़ाई हो रही है, तूने देखा था तूने देखा था, ये उसमें चावल भी थे ये भी था वो भी था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो मिला है वो तो आपने देखा ही है, और वो उधर वही जो है ना डिस्कशन हो रही है। ये कोई कोई
डिस्कशन हो रहा है कि यहाँ इससे अच्छा था कि यूनिवर्सिटी के पास बिल्कुल करीब हमारे कोटा होटल है और उसकी जो छत है वो भी सेम ऐसी है, उधर बैठते और मौज मस्ती करते, लेकिन अभी जो इनके साथ क्रैक हो चुका है। अभी यहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया है, बहुत सिर्फ अफ्तारी हुई है क्योंकि जितना कि मिला है हमें तो हमारे जो है वो पेट तो नहीं भरा। अभी हमने प्लान बनाया है कि कहीं जो है ना कढ़ाई वगैरह भी खाते जाते हुए, तो वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं और जैसे हम चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पे एंड में हमने उनसे बहुत बात की है कि भाई साहब इसमें जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें मिसिंग है जो कि हमने वीडियोज़ में देखी थी, उसमें काफ़ी चीज़ें थी, चावल वगैरह काफ़ी चीज़ें। तो फिर उन्होंने हमें जो है ना 1000 का डिस्काउंट दिया, हमारा बिल बना था 7000, तो उन्होंने हमें जो है 1000 बकाया कर दिया। क्यों बताना साहब? यार हर बात इन्हें बताना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप मेरी मास हो, रिव्यूज क्या नहीं हुआ भाई, कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई पैसे नहीं दिए, 1000 वापस किया है भाई, कोई पैसे नहीं दिए भाई। ये मौलाना साहब उस 1000 के भी पीना चाहते हैं, लेकिन अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, दोबारा से कढ़ाई खाएंगे, सदर जा रहे हैं, लेट्स सी क्या खाते हैं। इधर सामा भाई की जो है वो हजार खाना खिला रहे हैं, वो स्पेशल रिक्वेस्ट वीडियो बनाई जा रही है, कह रहा है कि मैं वीडियो में नहीं आया। सब भैया आप आ रहे हैं? हाँ जी हाँ सब भाई। दो बजे के बस से निकले थे, अफ्तारी का टाइम होता है काफी, तीन चार घंटे फिर लोगों ने ये सभी अभी बता रहे हैं कि लैपटॉप पे चला गया। दो बजे के निकले अफ्तारी करने के लिए ना, स्पेशल टेक्सला से यूनिवर्सिटी से अफ्तारी करने, और आगे ये इफ्तारी मिली तो नुमान भाई कह रहे हैं टैक्स में से आए इसमें इफ्तारी करने, और ये हुआ हमारे साथ। ओके सर, बनाओ देखे जी खाने आए, ये तक खाना नहीं आया भाई, ये भाई खाने आए, ये भाई खाने आए, ये भाई खाने आए, ये वाले भाई अटैक करने आए, ये वाले भाई ये सारे जो हैं खाने आए। ये तीन भी लेते हैं, हम तीन रहते हैं, खाओ ना आप लोग, यार वो तीन है, ये तीन तुम हो, हम चार खा लेंगे रोटी, चाहे तीन तो मो तीन ये तीन हम मुझे लगता है इस पूरी रोटी की एक बुर्की होगी, रोटी देख। यहाँ पे हमारे साथ फिर स्कैम हो गया, हमने कढ़ाई खाई है, सोचा था कि बिल बनेगा हमारा 1000 कह रहा हूँ 1500 से 2000 या मैक्सिमम 2500, लेकिन यहाँ पे हमारा बिल फिर बन गया 5000, सोचा नहीं था। तो अभी दोबारा से जो है ना आज का जो दिन है वो वोस्ट स्ट्रीम गया है, आप कह सकते हैं कि उधर भी 7000, इधर भी 5000, 12000 लगी, अगर हम 12000 की और जगह पर लगा देते इकट्ठा तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, लेकिन क्या कह सकते हैं ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो आज का जो एक्सपीरियंस था वो कुछ अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर भी खाना शाना हमने खा लिया तो क्या कह सकते हैं। और नुमान भाई यहाँ पे थे, उन्होंने चाय भी पिला दिया और चाय पिला के वो उधर निकल गए खुद, तो अभी फुल हो चुके हैं सभी, तो अभी वापसी जा रहे हैं हम हॉस्टल के लिए, अभी गाड़ी शाड़ी देखते हैं तो वापस चलते हैं। तो इस व्लॉग में यहीं तक, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।